तो वो फट गया फ्रेंड्स, पानी पानी कहाँ गया भाई? पानी नहीं है नदी में, पानी सूखा पड़ गया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुकी है एक और नया व्लॉग, तो पूरा देखना एंड तक। आज आपको ले जाएंगे एक और बढ़िया जगह। तो आज व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ISBT वाले रास्ते से। ये ISBT से सहारनपुर चौक जाता है रास्ता, तो चलो आपको लेके चलता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, हम सहारनपुर चौक आ चुके हैं। तो अब ये यहाँ से हमें राइट लेना है अपनी डेस्टिनेशन पे, तो चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम प्रिंस चौक पहुँच चुके हैं। यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट, जो रास्ता निकलता है ऐसे की तरफ। चलो चलते हैं। तहसील चौक पहुंच चुके हैं, जिसको पल्टर बाजार में जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम फिलहाल सीधा जा रहे हैं अपनी डेस्टिनी की तरफ, तो चलो चले। फ्रेंड, हम प्लेट रूम वाले चौक पे आ चुके हैं। यहाँ से लेंगे राइट, चलेंगे सर्वे चौक की तरफ। फ्रेंड, हम सर्वे चौक पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे तीन रास्ते जा रहे हैं, 1 2 3। आपको ये वाला रास्ता लेना है राइट हैंड से फर्स्ट, ठीक है, और लेफ्ट हैंड से थर्ड। तो गाइस, पेट्रोल थोड़ा कम था तो गाड़ी में पहले पेट्रोल डलाते हैं। रास्ते पेट्रोल पंप भी दिख गया था, तो हमें पहले पेट्रोल डलवाएंगे और फिर चलेंगे। पेट्रोल डल रहा है गाइस, पेट्रोल डल गया है, तो गाड़ी आ चुकी है। तो पेट्रोल चल चुका है, तो चलो चलते हैं, आपको फटाफट लेके चलेंगे। यहाँ पे बहुत कम रेट पे मटेरियल मिलता है। कभी आपको घर बनाना हो अपना, तो यहाँ से आप मटेरियल ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रक वगैरह सारे खड़े हैं। तो फ्रेंड, ये रास्ता जाता है सारा की तरफ और ये जाता है हमारा रायपुर की तरफ। तो डेस्टिनी के लिए हमें जाना पड़ेगा रायपुर की तरफ, तो चलो आपको लेके चल रहा हूँ। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हरिद्वार के लिए राइट और रायपुर के लिए स्ट्रेट, तो हमें स्ट्रेट जाना है। तो आओ चलो लेके चलता हूँ आपको बिल्कुल स्ट्रेट। फ्रेंड, यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, तो हमें लेफ्ट जा रहे हैं। चलो आपको लेके चलते हैं लेफ्ट की साइड। नेक्स्ट भी और आपको कैसी लगी कमेंट में बताना, ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कर देना ताकि और लोग भी मज़ा ले पाए वीडियो का, ताकि वो भी देख लें कि जरूर में ऐसी भी जगह है। तो ये दो रास्ते यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से राइट नहीं जाना हमें, हमें जाना है स्ट्रेट। ये रास्ता सुरकुंडा देवी भी जाता है, सो फ्रेंड्स, इनको देख के हमें अपने बचपन की याद दिन याद आ गए कि हम भी ऐसे साइकिल चलाया करते थे, और बहुत मज़ा आया इन्हें देख के। ये साइकिल बहुत अच्छी चला रहे हैं, चलो आपको लेके चलते हैं बाकी। तो वो फट गया फ्रेंड्स, पानी कहाँ गया भाई? पानी नहीं है नदी में, पानी सूखा पड़ गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा इतना पानी गया कहाँ। पकड़ लो, नहर में चला गया। जैसे कि अंकल बता पा रहे हैं कि सारा पानी नहर में चला गया। कौन सी नहर में चला गया अंकल जी? तो फ्रेंड, जैसे अभी हमें साइड न्यूज मिली कि इस साइड पानी नहीं है, बिल्कुल सूख गई है। तो फ्रेंड, पानी को बचाया जाए,
जितना हो सके, नहीं तो यहाँ वाला हाल हो सकता है। हाल देखता हूँ, सूखा पड़ गया फ्रेंड्स। बाकी तू देखो आप ऊपर वाला मजा आ जाएगा। रास्ता है ना कि आंध्रिया बाहर आ चुकी है। ये देखो गाइस, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा पानी बचा है और ये पानी पूरा फुल होके चलता है, फुल। यहाँ पे जो आपको यहाँ पे झाड़ियाँ दिख रही होगी ऊपर की तरफ, वहाँ तक रहता है ये पूरा पानी। और अब पानी इंसान वहाँ डूबता है जैसे गड्ढे होते हैं ना, जैसे आप देख पा रहे हो वो खड्डा देख रहे हो फ्रेंड्स। जब ये पानी होता है ना तो इंसान ऐसे खड्डों में डूब जाता है, जैसे कि ये खड्डा है, ऐसे बड़े वाले खड्डे होते हैं ना, यहाँ डूब जाता है।